For DNA fingerprint based approaches, one common approach is RFLP. Problem of RFLP was that it should have a DNA sequence which is of a high length. अब इस प्रॉब्लम को रेमेडी कैसे किया जाए? For that purpose, we have another mechanism which is called polymerase chain reaction. I would say the word PCR for this approach from now onwards. अब इसका सिंपल आइडिया ये है कि whenever we attain some DNA, what we do, we make replica of this DNA. इस replica का क्या एडवांटेज होगा कि हमारे पास DNA sequences आएंगे which would be of a high length, और this high length DNAs or nucleotide sequences can be used for further processing of criminal scene investigation. अब इसको करने के हमारे पास four steps हैं. Number one step is we put a DNA in a heat stable DNA polymerase. अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब हम इसको एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज में डालते हैं, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम दैट बाइंड्स टू द डीएनए एंड अलाउज इट टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. यानी कि हमने एक डीएनए में एक एंजाइम डाला, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि अब इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, यानी कि एक से दो, दो से मूव ऑन, फर्दर डीएनए बनते गए, रेप्लिकेशन अवेलेबल हुई. सेकेंड स्टेप इज दिस डीएनए सैंपल इज हीटेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसके बाद क्या एडवांटेज होगा, जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे तो हीटिंग क्या करती है, जो इंडिविजुअल थ्रेड्स हैं उनको ओपन कर देगी. नाउ वी हैव इंडिविजुअल थ्रेड्स अवेलेबल फॉर दैट डीएनए सीक्वेंस. देन दिस सैंपल इज कूल्ड एंड रीहीटेड अगेन. अब जब इसे हम ठंडा करते हैं उसके बाद रीहीट अगेन करते हैं तो क्या होगा कि दिस सैंपल साइज विल इंक्रीज अगेन. और फाइनली क्या है कि दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड मोस्टली 30 टाइम्स. अब जब 30 टाइम्स इस सीक्वेंस को या इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, देन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, और इन स्ट्रैंड्स को यूज करते हुए हम अपनी क्राइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म करते हैं. नाउ व्हाट आर दीज पीसीआर, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दीज पीसीआर बेस्ड अप्रोच, दैट इज आवर बेसिकली एसटीआरस. एसटीआरस आर शॉर्ट टर्म टेंडम रिपीट्स. और ये क्या होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल स्पेसिफिक एलिलीज. और ये एलिलीज कौन से हैं, जो पार्ट हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का. वीएनटीआर क्या थे, जो हमारे रिपीट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए सीक्वेंस. सिमिलरली एसटीआर आर स्मॉलर पोर्शन और ऑफ दीज वीएनटीआर. मूविंग ऑन, व्हाट इज द एसटीआर एंड हाउ इट इज यूजफुल. तो बेसिकली एसटीआर आर मोर एक्यूरेट देन आरएफएलपी. व्हाई, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल साइज. और ये स्मॉल साइज के होते हैं और ये क्या करते हैं कि डीएनए की सीक्वेंस को बेहतर तौर पे प्रेजेंट करते हैं. इससे मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल इफ आई मेक 20 सेगमेंट्स और 20 एसटीआर अलोंग अ डीएनए सीक्वेंस, देन दीज 20 सेगमेंट्स आर एनफ टू डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम द अदर पर्सन. सिमिलरली फॉर टू ह्यूमन बींग्स इट इज इम्पॉसिबल टू हैव सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ ए एसटीआर. यानी कि अगर एक पर्सन में रेपिटेशन ऑफ एसटीआर इज 20, देन इट इज इम्पॉसिबल दैट इट वुड बी 20 इन द अदर पर्सन. इट कैन बी एनी अदर नंबर बट इट वुड नॉट बी 20. वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस. सो वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस क्या है, जिसके अंदर हमारे पास जो एसटीआर हैं दैट आर अवेलेबल इन द वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम का क्या एडवांटेज होगा, मेन एडवांटेज इज that it would be useful for gender identification. कि अगर हमें एक ऐसा sample मिला है जिसके हमें gender का नहीं पता, तो based on STRs in Y chromosome, we can identify that either it is a man or a woman. And again, it is processed similarly as we process STR-based DNA fingerprinting. So another approach, as we have done RFLP, we have done PCR. The third approach is AMP-FLP. AMP-FLP stands for Amplified Fragment Length Polymorphism. So what is this approach? It is similar approach to RFLP, but the difference is instead of putting fragment analyzers, what we do, we use PCRs to obtain the high size of our DNA sequence. So what we do, like RFLP, it first uses a restriction enzyme. Then these fragments are amplified. Amplified means make a huge number of segments using PCR and sorted gel electrophoresis. So what are the advantages of this AMPFR approach? Number one, it can be automated very easily. Secondly, it is least costly amongst other specific approaches. Then what are the problems?
For this approach, DNA sequences should be of high quality. High quality means that there should be minimum number of gaps, and the mechanism used for retrieval of or abstraction of these bases, it should be very good. If there is some noise or missing information, then this AMP-FLP approach is not good.